सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 16 अक्टूबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं. तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल हमने देखा लगातार तीसरे दिन निफ्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ, हायर हाई हायर लोस का पैटर्न अभी बन रहा है. कल एक बड़ी न्यूज थी, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो कई हद तक कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना ने जो नया ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस और चाइना के बीच में उसे साइन कर दिया है. तो आगे भी और इसमें और पॉजिटिव न्यूज आने की खबर हो सकती है. और दूसरी तरफ इंडिया के बारे में वर्ल्ड बैंक के बाद अभी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ग्रोथ के बारे में थोड़ी सी शंका जताई है. जो जीडीपी ग्रोथ है उसका फोरकास्ट है वो कम कर दिया है. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है इसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का यानी 15 अक्टूबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में यहाँ उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,372 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,339. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का चार्ट है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,389 ये अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,410 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान में बंद हुए. पॉजिटिव न्यूज जैसी ही आई वैसी डाउ जोन्स का इंडेक्स भी जबरदस्त तेजी में भागने लगा. और कल यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन मार्केट को छोड़कर वहां पर जर्मनी और फ्रांस मार्केट ने अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई, पॉजिटिव न्यूज के साथ बंद हुआ. थोड़ा सा ब्रेक्जिट का इशू चल रहा है इसके वजह से लंदन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट जापानीज इंडेक्स इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 40 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 33 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे एक बार. ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है यानी एक कैंडल हमें एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है. अभी आप ये देख सकते हैं कि ये 20 एमए का ये जो पिंक लाइन है इसका सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखा रहा है. लास्ट इसने 2016 में यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था. फिर अभी नवंबर 2018 में यहाँ पर काफ़ी देर इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले 20 एमए के पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक दिखाया और फिर से अभी यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखा रहा है. तो जो भी खबरें आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कहे सुस्ती है, यहाँ से इकोनॉमी और भी नीचे गिरावट दिखा सकती है, तो टेक्निकली जब तक ये 20 ईएमए के नीचे नहीं चला जाता, टेक्निकली जब तक ये 20 ईएमए के नीचे चला नहीं जाता मंथली चार्ट में, तब तक यहाँ पर ये जो पोजीशन है निफ्टी इंडेक्स का ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है. ये अपसाइड का स्ट्रक्चर है जो हमें निफ्टी इंडेक्स अभी भी अप ट्रेंड में है ये शो कर रहा है. जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर है यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी निफ्टी इंडेक्स में. जैसे ही यह 20 ईएमए अगर ब्रेक होता है तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और भी यहाँ से गिरावट तेज हो सकती है. लेकिन जब तक यह 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है मंथली चार्ट में तब तक यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में मजबूती हमें देखने को मिल सकती है. सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, अभी ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है मार्केट, लेकिन मजबूत है मार्केट. अभी भी 20 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में. तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि जो पैटर्न है वो साइडवेज पैटर्न है, कभी 200 पॉइंट्स का जंप आ रहा है तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग के कारण फिर से उसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है. कोई भी रैली, कोई भी कंटिन्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा है. तो हर एक टॉप पे हम एक
जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और बॉटम पे हमें बॉटम फिशिंग देखने को मिल रही है। तो ये मंथली चार्ट का सिनारियो है। वीकली चार्ट में देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के। ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। अभी यहाँ पर ऊपर में 38.2% का ये लेवल आ रहा है 11,481। यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स, और नीचे ये 20 EM अराउंड 11,291 के पास है, ये फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद 11,200 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ये 50 EM है जहाँ से इसने अभी लास्ट वीक यहाँ से बाउंस बैक दिखाया। तो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है अभी फिलहाल, लेकिन इसे ये जो स्विंग, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो स्विंग हाई बनाया है इसके ऊपर इसे क्लोज होना पड़ेगा, और अगर कोई डिसीजिव मूव यहाँ पर आता है तो ये कंटिन्यू हो सकता है रैली। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में लास्ट 3 डेज देखे तो हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, जो कि अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। अभी कंटिन्यूज यहाँ पर देखे तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनने के बाद धीरे धीरे ये टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक बनी थी, तो इस लेवल के पास आते ही एक छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, कोई डिसीजिव मूव यहाँ पर आती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर बनता है, तो हमें फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट 11,723 का होगा। और नीचे ये जो मूविंग एवरेजेस है डेली चार्ट में, ये भी अराउंड 11,272 के पास फर्स्ट 100 EM में आ रहा है, और उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है ये 11,230 के पास आ रहा है। तो 11,250 से 200 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है 60 मिनट का चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अगर टुवर्ड साउथ की तरफ मूव होता है, और अगर ये जो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 11,411 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली एक फर्स्ट टारगेट होगा 11,394, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा ये जो 20 EM है इसके जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पर 11,360 370 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस लेवल के पास, जो कि ब्रेकडाउन लेवल हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 14 अक्टूबर को, और फिर यहाँ से एक शॉर्ट एक छोटा सा करेक्शन आया था, और फिर यहाँ से बाउंस बैक होते हुए कल भी इसने यहाँ पर एक पॉज लिया था। तो ये ब्रेकडाउन लेवल 11,411 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ही हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव होता है, अगर ऊपर की तरफ मूव होता है, तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर, यानी थोड़ा सा 11,443 के ऊपर अगर ये यहाँ से, आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है यहाँ पर, और कल इसने इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर 11,445 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर इमीडिएट, जो कि 11,464 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,479 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये थे आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।